हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जीके की दुनिया। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन का पार्ट टू। जी दोस्तों, पार्ट टू। पार्ट वन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप अब डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर पार्ट वन देख सकते हैं। तो पार्ट वन में हमने 100 क्वेश्चन तक कर लिया था, तो आज 101 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल जीके की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए हर दिन नए नए वीडियोज लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। तो हमारा 101 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया या फिर किसने बनाया। तो इसका सही आंसर दोस्तों नेक चंद ने। इसी के साथ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 102 कहा जा रहा है, जम्बू किस नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ, तो जम्बू किस नदी के किनारे स्थित है, तो तवी। जी हाँ, तो जम्बू जो है तवी नदी के किनारे स्थित है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा कहा जा रहा है, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है। तो इसका सही आंसर है काबुल। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, कौन सा शहर की राजधानी, तो कौन सा शहर जापान की राजधानी है। तो इसका सही आंसर दोस्तों टोक्यो। इसी के साथ चलते हैं हम अपने 105 नंबर क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, किस देश में सूची स्तंभ पाए गए हैं, जैसे पिरामिड, यानी कि पिरामिड पाए गए। इसका सही आंसर दोस्तों मिस्र में। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसका सही आंसर दोस्तों ऊंट को। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। जैसे महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही आंसर दोस्तों 1869। जी दोस्तों, 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1869। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, रेल पथ में मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है। तो इसका सही आंसर दोस्तों 1 मीटर। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका सही आंसर दोस्तों एशिया। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा कहा जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है। इसका सही आंसर दोस्तों रूस। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन बोल जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। तो इसका सही आंसर दोस्तों एशिया। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, विश्व की का सबसे लंबा पशु कौन है। तो इसका सही आंसर दोस्तों जिराफ। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है। तो इसका सही आंसर है एवरेस्ट। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो इसका सही आंसर दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी के साथ चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। तो इसका सही आंसर दोस्तों तेंजिंग नॉर्गे। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, कारगिल कस्बा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों कारगिल कस्बा किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। इसका आंसर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो इसका सही आंसर दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और इसका पहला युद्ध जो है 1526 ईस्वी में लड़ा गया। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी। इसका सही आंसर दोस्तों अकबर ने। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, मानसून हवाएं कौन सी है। दोस्तों मानसून हवाएं कौन सी होती है, तो इसका सही आंसर दोस्तों वर्षा ऋतु की हवाएं। तो इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व के में किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर दोस्तों इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। दोस्तों साइबेरिया अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, 1857 का विद्रोह क्या था। तो इसका सही आंसर दोस्तों ब्रिटेन सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है। तो इसका सही आंसर दोस्तों भूमध्य रेखा। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किस स्मृति
में समर्पित किया गया है। तो इसका सही आंसर दोस्तों स्वामी विवेकानंद। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है मौत असो तुंग किससे संबंधित है, तो सही आंसर दोस्तों चीन से संबंधित है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है, तो इसका सही आंसर दोस्तों अमृतसर में। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो इसका सही आंसर दोस्तों मोर जी। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो इसका सही आंसर दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है प्रसिद्ध उदाहरण संस्का सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था, तो इसका सही आंसर दोस्तों अब्राहम लिंकन ने। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है बोध गया किस धर्म से संबंधित है, तो इसका सही आंसर दोस्तों बौद्ध धर्म से। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही आंसर है गुरु नानक देव। इसी के साथ बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो इसका सही आंसर दोस्तों 16 अप्रैल 1853 में। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है भारत में सबसे लंबी सड़क कौन है, तो इसका सही आंसर दोस्तों जीटी रोड। इसी के साथ बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन है, तो इसका सही आंसर है केरल। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है चाचा के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो इसका सही आंसर दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर दोस्तों जयपुर। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था, तो इसका सही आंसर दोस्तों सरदार भगत सिंह ने। इसी के साथ बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो इसका सही आंसर दोस्तों भारत रत्न। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही आंसर दोस्तों बिहार से। इसी के साथ चलते हैं हम लोग 142 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है, तो इसका सही आंसर दोस्तों ताले बनाने के लिए जिस तो अलीगढ़ जो है वो ताले बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, तो इसका सही आंसर दोस्तों आंध्र प्रदेश में। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, तो इसका सही आंसर दोस्तों 8। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है भारतीय का डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ स्थित है, जैसे तो भारतीयों का डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर दोस्तों वाराणसी। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं, तो इसका सही आंसर दोस्तों सिख धर्म के लोग। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है शाहनामा किसकी कृति है, तो इसका सही आंसर दोस्तों फिरदौसी की। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो इसका सही आंसर है इम्फाल। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद कराया गया, तो इसका सही आंसर दोस्तों 1964 में। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है, तो इसका सही आंसर दोस्तों जम्मू कश्मीर। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, तो इसका सही आंसर है गोदावरी। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है बिहार में, तो इसका सही आंसर दोस्तों बरौनी। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है किसे नेतृत्व में 1776 में अमेरिका का स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था, जिस तो किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था, उसका सही आंसर दोस्तों जॉर्ज वॉशिंगटन। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है, तो इसका सही आंसर दोस्तों छोटी। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर दोस्तों एथलेटिक्स से। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है, तो इसका सही आंसर दोस्तों अक्षांश रेखा। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो इसका सही आंसर दोस्तों 1757 ईस्वी में। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है 1857 ईस्वी के विद्रोह में
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किए थे। तो इसका सही आंसर दोस्तों तात्या टोपे की सहायता से। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसका सही आंसर दोस्तों रंगून में। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है महात्मा गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर दोस्तों कस्तूरबा गांधी। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर है एओ होम। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका सही आंसर दोस्तों सी राजगोपालाचारी। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर दोस्तों आत्माराम पांडुरंग ने। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ग्रामीण स्वायत्तता। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों शहतूत के पत्ते। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। तो इसका सही आंसर दोस्तों शेरशाह सूरी ने। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। तो इसका सही आंसर दोस्तों लोथल। तो इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है चीन असम के किस दिशा में स्थित है। तो इसका सही आंसर है उत्तर दिशा में। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों असम। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है कंचन जंघा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर दोस्तों सिक्किम में। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है। तो इसका सही आंसर है बुध। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही आंसर है मालीगांव। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी में क्या पाया जाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों सुक्रोज। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे। तो इसका सही आंसर दोस्तों दादा साहेब फाल्के। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर दोस्तों लियो टॉल्स्टॉय। इसके साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों राष्ट्रपति। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत के को किसने लिखा है। तो इसका सही आंसर दोस्तों कवि प्रदीप ने इसको लिखा है। इसके साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है वायु दाब किसके कारण होता है। जैसे वायु का दबाव किसके कारण होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों घनत्व के कारण। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है। तो इसका सही आंसर दोस्तों बैरोमीटर। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं। जी दोस्तों अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं। इसका सही आंसर दोस्तों एक। जी दोस्तों अमीबा में कुल एक सेल होते हैं। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है नागालैंड भारत का विविधत्व विधिवत राज कब बना था। उसका सही आंसर दोस्तों 1963 में। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है। तो इसका सही आंसर दोस्तों मालीगांव। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों राज्यपाल। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो इसका सही आंसर दोस्तों फ्रेऑन। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। तो इसका सही आंसर दोस्तों जे.जे. थॉमसन। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है असमिया भाषा में मुद्रित पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर दोस्तों आत्माराम शर्मा। तो इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत
के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो इसका सही आंसर दोस्तों बांग्लादेश। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, हीटर के तार किस चीज से बने होते हैं? तो इसका सही आंसर दोस्तों नाइक्रोम के। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार में क्या होता है? तो वो उसका भार बढ़ जाता है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, विश्व का सबसे लंबा नदी द्वीप मांझली असम के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर दोस्तों पातालपुरी। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो इसका सही आंसर है स्टील में। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों टाइटेनियम को। इसी के साथ चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों सल्फर। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इसका सही आंसर दोस्तों शमसुद्दीन दीन शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। इसी के साथ चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों तमिलनाडु को। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर दोस्तों भाई बी चौहान। इसी के साथ चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों अहमदाबाद को। इसी के साथ चलते हैं हम अपने इस वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 200वां क्वेश्चन है। कहा जा रहा है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों कोसी नदी को। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर किसी को इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। और जिन लोगों ने हमारे चैनल जीके की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए हर दिन नए नए वीडियोज लाता रहूँ। इस वीडियो को देखने के बाद कोई सूचना सुझाव या फिर शिकायत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।